विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। 4,500 वीवीपैट मशीन आसनसोल पहुंची। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कस चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से भी अब चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र से 4,500 वीवीपैट मशीन को लेकर 4 कंटेनर आसनसोल पहुंचे। आसनसोल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में इन वीवीपैट मशीनों को रखा गया है। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद रहे। उनकी देखरेख में ही इन सभी वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया। जिस तरह से चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से चुनाव की तैयारियों में पूरा दमखम लगाया जा रहा है, उससे साफ होता है कि अब बंगाल में विधानसभा चुनाव आयोजित होने में ज़्यादा दिनों का समय नहीं है। लोकसभा चुनाव की तरह आगामी चुनाव में ईवीएम के साथ ही वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी बूथों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी रहेगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की उंगली ना उठे। वीवीपैट मतदाताओं को अपने मतदान के प्रति आश्वस्त करेगा। मतदान अपने दिए वोट का क्रम, संख्या, नाम एवं चुनाव चिन्ह 7 सेकंड तक वीवीपैट का ईवीएम देख सकेंगे। पुणे से इसके बाद पर्ची निकल कर मशीन में जमा हो जाएगी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आके अपना सील देंगे, ईवीएम का वेयरहाउस का सील खोला गया। खोलने के बाद जो मशीन सब है वो अनलोड हो रहा है। मशीन अनलोड होने के बाद फिर ईवीएम को जो वेयरहाउस है उसको फिर से सील करेंगे। ये पूरे प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है, हम लोग भी उसी के लिए हैं। आपका नाम? प्रमोद विश्वकर्मा, भाजपा जिला कार्यालय। वीवीपैट स्कैन होगा, पहले स्टोर हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से 4,500 वीवीपैट यहाँ आया है। ये हमारा स्ट्रांग रूम में रखाया है। सर्वदलीय सब तमाम दलों को लोग यहाँ आकर के हम लोग सील मोहर जो होता है, जहाँ स्ट्रांग रूम में रखाता है, उसको हम लोग सील करते हैं। और हम लोग का नेतृत्व में डीएम साहब का नेतृत्व मिलता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मौजूदगी है। तो आज हम लोगों का महाराष्ट्र से रात में चल करके वीवीपैट 450 आया है। एक गाड़ी में 1100, किसी में 1200 मिला करके 4 गाड़ी है। 4,500 ईवीएम वीवीपैट आकर रखाया है। वीवीपैट का स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद यहाँ स्टोर रूम में रखा जाएगा। तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लोग का मौजूदगी जरूरी रहता है। इसी तरह से जातीय कांग्रेस की तरफ से भी मैं यहाँ पर आकर के, चूँकि सील मोहर का भी रहता है तो हम लोग का मौजूदगी में ही खुलता है। फिर रात में सील होगा तो हम लोग का मौजूदगी में ही सील होगा। इस तरीके से ये 26 से 30 तारीख तक चलेगा। वीवीपैट का स्कैन होगा, ये तमाम बात डीएम साहब का नेतृत्व में होता है। सब दलीय जो है हमारा तमाम ऑल पार्टी का लीडर लोगों का मौजूदगी में तमाम वीवीपैट का चेक होता है। आपका नाम? एस एम मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक, कांग्रेस प्रेसिडेंट। नोनिया समाज के उत्थान तथा कल्याण के लिए सभी हरिपुर, न्यू केंदा, चाकटोला तथा उखड़ा के आसपास के नोनिया समाज के लोगों ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के माध्यम से नोनिया समाज के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा जन कल्याण योजना को करने का निर्णय लिया गया। नोनिया समाज जन कल्याण समिति, जिसका कार्यालय हरिपुर में किया गया, इसमें मुख्य रूप से प्रेसिडेंट के रूप में सीता प्रसाद को चयनित किया गया। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट उमेश नोनिया, सेक्रेटरी एडवोकेट रंजन प्रसाद नोनिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी कृष्णा नोनिया, ट्रेजरर के रूप में रविंद्रनाथ नोनिया, बीरू नोनिया, अशोक नोनिया, एडवाइजर के तौर पर सिद्धेश्वर नोनिया, राहुल नोनिया, बीरू नोनिया, रामाकांत नोनिया, मामोज नोनिया, सुभाष नोनिया और अन्य 36 मेंबर जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में यहाँ कार्य करेंगे इस जन कल्याण समिति के लिए। उनमें प्रमुख नाम है सीता प्रसाद, मनोज कुमार, मोहन नोनिया, सुभाष नोनिया, जगदीश प्रसाद, शिवराम नोनिया, रविंद्रनाथ नोनिया, बीरू प्रसाद, अजय महतो, रामाकांत चौहान, अनंत कुमार नोनिया, रणवीर नोनिया, रंजन प्रसाद नोनिया, रंजीत कुमार नोनिया, राजकिशोर नोनिया, सुरेश कुमार नोनिया, विनोद कुमार नोनिया, राहुल नोनिया। साथ ही और भी कुछ मेंबर जो इसमें साथ लिए हैं, नंदलाल नोनिया, कृष्णा नोनिया, गणेश नोनिया, बीजू कुमार नोनिया, सुभाष प्रसाद नोनिया, रामू नोनिया, बीजू नोनिया, मनोज नोनिया, राकेश लाल, राजेश्वर लाल, संजय नोनिया, उमेश नोनिया, अशोक नोनिया, राम विलास प्रसाद, उमेश नोनिया। इन सभी को लेकर ये जो जन कल्याण समिति बनाई गई है, यह नोनिया समाज के उत्थान और जन कल्याण के लिए काम करेगी। Thank you.